दोस्तों तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल जी डी एस एजुकेशन दे विच। दोस्तों जेकर तुसी इस चैनल दे उपर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब तो पहला इस चैनल नूं लाल रंग दा सबसक्राइब बटन दब के सबसक्राइब करो, उस दे नाल ही जो घंटी वाला बटन है उसके उपर भी क्लिक करके आल नोटिफिकेशन नूं करो ऑन, तां जो तुहानूं इस चैनल दे उपर आउण वालियां जो भी लेटैसट वीडियोज़ होणगियां उन्हां दा नोटिफिकेशन मिल सके सब तो पहला। दोस्तों इस वीडियो नूं तुसी अंत तक देखना तां कि तुहाडी कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। फिर उस तो बाद बहुत सारे कमेंट आते हैं जिस दे विच इस दे बारे पूछा जाता भी इसकी क्वालिफिकेशन की आ, इसकी फीस कितनी है। इस करके तुसी ये वीडियो नूं अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो दे विच तुहानूं ये सारी डिटेल है जो ये दसी जाएगी। दोस्तों इसका जो फेसबुक पेज भी है एक, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन दे विच है, तुसी उसनूं भी लाइक कर लवो, उत्थे भी तुहानूं बहुत सारियां जो इनफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाती है। इस दे बारे गल करते हैं आप अज्ज जो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है जो इस दे वल्लों नौकरियों का जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया, इस दे विच कि नौकरियां ने कि मतलब पोस्ट है उस दे पे सब तो पहला जो है सीनियर मैनेजर, उस तो बाद मैनेजर, फिर इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड स्टेनोटाइपिस्ट इन द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक इन द स्टेट ऑफ पंजाब। इस दे विच दोस्तों जो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी आप डिस्कस करांगे। इस दे विच जो सब तो पहला जो इसकी ऑनलाइन फार्म भरने की जो तरीक है वो तो तुसी 25/5/2021 तक भर सकते हो। जो इसकी वैबसाइट है www.pscv.in इसके उपर क्लिक करके जाके तुसी इस वैबसाइट पर विजिट करके उत्थे देख सकते हो कि इसकी जो की होर अपडेट्स आ रही ने वो भी तुसी देख सकते हो। इस तरह इस दे विच जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे गल करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे विच इस दे विच दस्या गया है जिद्दां कि सब तो पहला पोस्ट आउंदी है सीनियर मैनेजर की। सीनियर मैनेजर दे तुसी पोस्ट ग्रैजुएट होने चाहिए होंगे, मतलब थोड़ी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हैगी, उहदे विच तुहाडे 50% मार्क्स होने चाहिए ने, किसी भी रेकोगनाइज्ड यूनीवर्सिटी तो होने चाहिए ने। उस तों बाद MFC MBA जां MBA किसी भी मानता प्राप्त यूनीवर्सिटी तो, जां तुसी CA की डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री करी होवे, ग्रैजुएट विद 55% मार्क्स ऑफ एनी रिकोगनाइज यूनीवर्सिटी, मतलब तुसी ग्रैजुएट होवो भावें उस तो, जां तुसी ग्रैजुएट विद 50% मार्क्स एनी रिकोगनाइज यूनीवर्सिटी, CAIIB बोथ पार्ट्स कैंडीडेट मस्ट है पास्ट, जो कैंडीडेट है उन्हें पंजाबी जो 10वीं लैवल तक मैट्रिक लैवल तक पास की होनी जरूरी है। इस दे विच अगला जो है इस दे विच आ रहा है जो अगली क्वालिफिकेशन नाल दित्ती गई है, कैंडीडेट हू हैज़ नॉट पास्ट लैंग्वेज विद मैट्रिक सेम विद इन 2 ईयर्स डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जेडे कैंडीडेट ने पास नहीं की हुई उन्हों अपॉइंटमेंट तो बाद 2 सालों के पास करनी पवेगी। ही एसेंशियल एक्सपीरियंस जो ये एक्सपीरियंस ने, कैंडीडेट मस्ट हैव बीन रिक्रूटेड डायरेक्टली एज द स्केल 1 ऑफिसर प्रोबेशनरी ऑफिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग इक्विवेलेंट टू दी शुड बी पोजेस मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग स्केल 1, जां तुसीं जिवें स्केल 1 दे जो ऑफिसर ने जो तुहानूं उपर पोस्टां दसी गईआं प्रोबेशनरी ऑफिस इन्हां दे विचों तुसीं किसे तुसीं घट्टो घट 5 साल का जो अपना वर्क एक्सपीरियंस तुहाडे कोल होना चाहिए है, मिनीमम 5 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर पंजाब स्टेट बैंक इन द स्टेट ऑफ पंजाब, मिनीमम जिहड़ा 5 साल का एक्सपीरियंस है ग्रेड ए ऑफिसर ऑफ नबार्ड एंड RBI दे विच। उस तो बाद जो है पोस्ट है अपनी मैनेजर की, मैनेजर दे विच जो टोटल पोस्ट ने 60 पोस्ट ने मैनेजर दे विच। पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रैजुएट इस दे विच भी जो क्वालिफिकेशन है तुसी मास्टर डिग्री की होनी चाहिए 50% नंबर के नाल, उदा ही MFC MBA वही 50% नंबर के नाल मानता प्राप्त यूनीवर्सिटी तो, CA की डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए भावें तुहाडी, मतलब तुहाडी इन्हां विचों कोई भी जो डिग्री है तो तुसी इस वास्ते एलिजिबल हो, जां तुसी ग्रैजुएट हो 55% मार्क मतलब 55% तुहाडे नंबर घट्टो घट अपनी डिग्री के विचों होण ग्रैजुएट होवो जे तुसी, जां तुसी ग्रैजुएट हो 50% नंबर के नाल, तो जो वे नाल है बोथ पार्ट्स
पंजाबी थोड़ी दसवीं तक जो कंपलसरी है, मतलब थोड़ू यह पास की होनी चाहिए है। उस तो बाद है इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ऑफिसर है, ये है जो हैं सत्त पोस्टा हैं यदियाँ। इस दे विच तुहाडी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो की होनी चाहिए, तुहाडी मतलब एलिजिबिलिटी लई तुहाडे की क्राइटेरिया है। इहदे विच है तुहाडे जो 50% नंबर नेगे इक्विवेलेंट ग्रेड इन MCA MSc इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रेकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी मानता प्राप्त यूनिवर्सिटी तुहाडी है डिग्री की होनी चाहिए है, जां तुहाडे कोल जो दूसरी इस दे विच क्वालिफिकेशन मंगी गई है 55% 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड BE BTech BSc इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम रेकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो इतने डिग्री है ये कंप्यूटर साइंस इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन्हों डिग्रिया के जो स्टूडेंट ने जिन्होंने यह डिग्री पास की हुई है सिर्फ उ इस एलिजिबल ने, अते नाल ही जिहड़ा कैंडीडेट है उन्हें पंजाबी पास आ जो वह दसवीं के पद्धर तक पास की होनी वो लाजमी है। उस तो अगे जो पोस्टा ने जो ज़्यादा गिणती के बच्चे ने कलर्क कम डाटा एंट्रीपरेटर, जो आपको पता है कि बैंक के कलर्क की जॉब होंगी है वह जॉब है। ये जो ग्रैजुएशन सैकेंड डिवीजन थोड़ी घट्टो घट होनी चाहिए है किसी भी स्ट्रीम के हो, कोई भी इतने कोई वह नहीं है भी थोड़ी ये जो डिग्री है इस दे किसी भी सब्जैक्ट नाल कोई भी डिग्री करी हुई है तुम पर ग्रैजुएट होने चाहिए हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਵੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣ। ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ISO ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈ ਪਾਸਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੋ ਪੋਸਟ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਨੀ ਸਟਰੀਮ ਔਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਤਲਬ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਮੰਥ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੈੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈਂਡ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 80 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 20 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਟੈਨੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਨੋ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਟੂ ਬੀ ਫਿਲਡ ਦਾ ਈਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਫੋਰ ਆਲ ਕੇਡਰਸ,
इस दे विच शेड्यूल कास्ट ने आर ओ एंड एम ओ दे विच इहदे विच अपनी आ जांदे नेगियां पोस्टा टोटल 42 दूजे दे विच 56 तीन इस दीआं पोस्टा जो हन सीनियर मैनेजर दीआं चार पोस्टा मैनेजर दीआं ने आर ओ दे विच ने जब आर ओ दे विच अरदासी एंड अदर जो कैटेगरी हुंदी है उस दे विच सीनियर मैनेजर दीआं तीन पोस्टा मैनेजर दीआं चार पोस्टा इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी इत्थे कोई पोस्ट नहीं है स्टेनोटाइपिस्ट दीआं दो पोस्टा नेगियां इस तरह हेठली कैटेगरी भी तुसीं देख सकते होंगे एम ओ दे विच 56 टोटल पोस्टा ने तीन पोस्टा सीनियर मैनेजर चार पोस्टा मैनेजर दीआं आई टी ओ की कोई पोस्ट नहीं स्टेनोटाइपिस्ट की कोई पोस्ट नहीं ये तुहाडी मतलब जो भी कैटेगरी वाइज जो रखा गया उस तो बाद इस एक नवा जो अपने एक नवा कोटा ऐड होगा वूमेन के लिए उस 35 पोस्टा ने वूमेन के लिए टोटल सारिया जो टोटल पोस्टा नेगियां ह मैनेजर तो लैके स्टेनो तक वो इस दे विच तुसीं देख सकते हो सीनियर मैनेजर दीआं दो फिर मैनेजर दीआं फिर अपनियां आई टी ऑफिसर ऑफिसर दीआं फिर क्लर्क दीआं इस तरह अगली जो वूमेन कैटेगरी इस तरह बी सी कैटेगरी दे विच बी सी कैटेगरी विच टोटल 42 पोस्टा ने तीन पोस्टा सीनियर मैनेजर दीआं फिर मैनेजर दीआं उस तो बाद आई टी ऑफिसर दीआं फिर क्लर्क बी सी वूमेन दे कोटा जो उहदे विच 32 पोस्टा ने 32 दे विच तुसीं देख सकते होंगे भी इदां इदां करके तुहाडीआं पोस्टां आउणगीआं बाकी जो भी तुहाडी कैटेगरी है सब तो जो मेन गल है तुहाडी जो कैटेगरी है ये तुसी बहुत ध्यान नाल भरनी है जदों भी तुसी फॉर्म फिल करना है फॉर्म फिल करते समय तुसी एक बार जो भी अपनी कैटेगरी फिल कर देती उत्थे जो भी भर देती कैटेगरी वह तुहाडी दुबारा चेंज नहीं होगी ना ही तुसी फिर तुहाडा फॉर्म दुबारा रजिस्टर हुंदा है इस करके तुसी अपना नाम जो मोबाइल नंबर ईमेल आई डी खास करके जो नाम ते तुहाडी जो डेट ऑफ बर्थ है ते अपनी कैटेगरी है ये तुसी बहुत ही ध्यान दे नाल भरनियां ने इस दे विच तुसी कोई भी गलती नहीं करनी तुहाडे कोल इह जो कैटेगरी सर्टिफिकेट ने तुसी किसी भी रिजर्व कैटेगरी नूं बिलोंग करते हो तुहाडे कोल सर्टिफिकेट होने बहुत जरूरी ने जिवें कि इत्थे बी सी दा एस सी दा एक्स सर्विसमैन दा हैंडीकैप्ट जो सर्टिफिकेट हुंदे तुहाडे कोल होने जरूरी ने तां ही तुसी इस पोस्ट दे लई एलीजिबल हुंदे हो अपने कैटेगरी दे विच इत्थे तुहानूं हर इक उहदे विच दित्तियां होईयां ने भी किन्नियां किन्नियां पोस्टां आ रहियां ने किन्नियां किन्नियां किस कैटेगरी दे विच ने जो डिवाइड कीतियां होईयां ने तुसी देख सकते हो फ्रीडम फाइटर स्पोर्ट्स कोटा जिन्नियां भी पोस्टां ने सारियां इत्थे तुसी देख सकते होंगे उस तो बाद हेठां फ्रीडम फाइटर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जरनल स्पोर्ट्स एससी स्पोर्ट्स एससी इकोनॉमिकल बीकर सैक्शन दे विच तुसी पोस्टां देख सकते हो भी टोटल किन्नियां पोस्टां आ रही नेगियां 53 आ रही नेगियां उस तरह जो सीनियर मैनेजर मैनेजर आई टी ऑफिसर तीन पोस्टां सीनियर मैनेजर दी ने फिर आई मैनेजर दी ने चार पोस्टां फिर जीरो आई टी ऑफिसर फिर जीरो क्लर्क दी जो इकोनॉमिकल सैक्शन बीकर सैक्शन है वूमेन के लिए उद्दे भी उमें सेम इस तरह तुम देख सकते हो जो टोटल सीटा हुई 739 पोस्टा बन दें उपरों उस तो बाद इधर देख के टोटल बनता सारे का उस तो बाद सारिया पोस्टों जो टोटल है वो 856 बनता ये साफ साफ लिखा हुआ क्लीयरली जो नोट दिता हुआ जो रिजर्व कैटेगरीज ने इन्हों का बेनीफिट सिर्फ पंजाब के जो डोमिसाइल कैंडीडेट ने सिर्फ उ ले सकते हैं उन्होंने को कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए एप्लीकेशन भरन के समय जे को जे थोड़े को सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम इस एलीजिबल नहीं है उस तो बाद टर्म एंड कंडीशन यही लिखा हुआ है भी जेडे जो भी उस क्वालिफिकेशन मंगी गई है वो तो बिल्कुल सही होना चाहिए जे तो सही नहीं है किसी भी हालत तुम कोई गलत उत्थे भर देने हो तो फिर तुहाडा फार्म जो रिजैक्ट हो सकता गा इस करके बहुत ही ध्यान देना जो तुहाडे सर्टिफिकेट जो भी तुहाडी क्वालिफिकेशन है पहला सारा अपना क्वालिफिकेशन चैक करनी है जो वीडियो तो विच पहला भी सारी दस चुके हैं आपां इस करके तुसी वीडियो नूं पूरा देखिया करो तो जो तुहाडी कोई भी जो जानकारी है वह रह ना जाए जदों भी तुसी वीडियो नूं विच अधिक देख के जां विच विचाले तों वीडियो नूं छड दिंदे होगे देख के तां तुहाडी जो अगली जानकारी हुंदी है वह रह जाती है तो बाद दे विच फिर उसे तुहानूं गल दा डाउट हो जाता है फिर तुहानूं उसे गल नूं पता करन दे लई बहुत टाइम अपना वेस्ट करना पैंदा है इस करके वीडियो नूं अंत तक जरूर देखिया करो सेम उही तुहाडे जो सर्टिफिकेट ने इस दे विच लिखा जो एससी कैटेगरी उहनां नूं मिनिमम जो 40% चाहिए नेगे मार्क्स क्वालीफाइंग मार्क्स ने जो
जो बाकी सारिया कैटेगरी ने उन्होंने सॉरी जो बाकी सारिया कैटेगरी उन्होंने 40% मार्क्स चाहिए ने गए मिनीम मार्क्स क्वालीफाई करने लिए पेपर। जो एससी कैटेगरी है उन्होंने मिनीम 35% मार्क्स चाहिए ने। उस तो अगली गल आ जाती फीस, जो फीस कितनी है, फीस इसकी जो है वह नॉन रिफंडेबल है। एक बार तुहाडी फीस भरी गई तो दोबारा फीस वापस नहीं होगी। इतने लिखे दसिया गया साफ, सब तो पहला जो फीस है वो 1400 रुपये फीस है सारिया कैटेगरिया, सिर्फ एससी कैटेगरी छड के एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट ने उन्होंने लिए 700 रुपये फीस है। इस तरह इस एज लिमिट है, इस भी ध्यान रखना जो तुम थोड़ी जो पोस्ट है वो तुम एक एक पोस्ट लिए ही फार्म भर सकते हो, अलग अलग तुहानू सैपरेट जो एप्लीकेशन सबमिट करनी पैनी है, तुहानू हर एक पोस्ट के लिए अलग तो फीस भरनी पैनी है। एज लिमिट जो ये दसी गई है, एज लिमिट जो मिनीम 18 साल तो 37 साल होनी चाहिए है। अपर एज लिमिट जो है वह 42 साल, उस जिमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग तुम्हें जो बेनीफिट मिलते हैं, एससी कैटेगरी अलग बेनीफिट ने, बीसी कैटेगरी अलग बेनीफिट ने। एससी कैटेगरी 5 साल की बेनीफिट होंगे एज के, बीसी 3 साल की होंगी है। उस तरह जो अलग अलग जो कैटेगरिया ने सर्विसमैन एक्सर्विसमैन उन्होंने सारे अपनी अलग अलग जो बेनीफिट ने वो मिलते हैं। इस तरह इस जो अगे भी डिटेल दी गई है जो ये तुसी सारी इतने देख सकते होंगे। जो मेन इस जो उपर क्वालिफिकेशन दसी गई है सारा जो भी है ये तो सारा कुछ इतने चेक कर सकते होंगे। उस तो बाद आ जाता है जो इन्हां दी अपनी सैलरी है, सैलरी दे विच इन्होंने दस्या होया है मिनीम पेड मिजिबल टू द गिवन ऑफ फ्रैश रिक्रूटमेंट पॉइंट विल बी अंडर। ये जो अपनी सैलरी मिलेगी पे मैट्रिक्स एंड मिनीम पे एडमिजिबल एज पर दी पंजाब गवर्नमेंट FD लैटर, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट लैटर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस लैटर जो भी है 17/7/2020 जो होया सी पास। उस सीनियर मैनेजर है उसकी सैलरी 35,400 दसी गई है, मैनेजर की 29,200, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की 25,500, स्टेनो की 21,700, क्लर्क कम डाटा इंटरप्रेटर की 19,900 सैलरी दसी गई है। उस तो बाद जो पासपोर्ट वगैरह दस इंस्ट्रक्शन दसी गई ने, तुहाडी फोटो होगी कलर फोटो तुम अपलोड जो करनी है, तो ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जो थोड़े प्रूफ ने गए, तुम जो भी उत्थे जो फिल करना उस टाइम तुहाडा सारा कुछ दसया जाऊ फॉर्म फिल कर लगे। तुहाडी इस दे विच नैगेटिव मार्किंग भी होगी, तो असीं तुहाडा पेपर OMR शीट ते होगा, मतलब तुहानू जो डाउट कर उत्थे उहदे नाल पेन दे नाल उह करना पऊगा। इस तरह तुसीं देख सकते होंगे इन्हां दी जो तुसीं वैबसाइट है उस दे उपर जाके फार्म भर सकते हो। अगली गल आ जांदी है सिलेबस, सिलेबस दे विच जो की आना है, इस दे विच जो मेन पॉइंट है सिलेबस दे विच इत्थे जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो सीनियर मैनेजर का, वो बैंकिंग जो होंगे गा बैंकिंग सिस्टम के रिलेटेड तो 40 क्वेश्चन आने, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन, क्वानटीटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनैस के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आने 100। डिटेल्ड जो सिलेबस है वह सीनियर मैनेजर का तुम इन वैबसाइट पर जाके भी देख सकते हो। ये तुम देख सकते हो कि लगभग ये जो हों सिलेबस अपने जो बैंकिंग के पेपर होंगे इन सेम इदा ही होंगे गा लगभग सब के डिटेल्ड सिलेबस है बैंकिंग के तुम टॉपिक आने गए तुम इतने देख सकते होंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन के केड़े केड़े आने ने, तुम इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो कि सिलेबस का की है। उस तो बाद इसकी रीजनिंग एबिलिटी देख सकते होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के जो एबिलिटी होंगी रीजनिंग के वर्बल नॉन वर्बल, ये रीजनिंग का जो सिलेबस है तुम ये भी देख सकते हो। क्वानटीटेटिव एप्टीट्यूड देख सकते होंगे, यह इस की है मैथ है जो LCM यह सारी इतने दी है, जनरल अवेयरनैस जो करंट अफेयर हो गया जा कोई भी GK होगी, GS होगी, जनरल साइंस होगी, जनरल साइंस नहीं ये आनी सर स्पेस GK जनरल अवेयरनैस आएगी, मतलब जनरल अवेयरनैस के करंट अफेयर वगैरह इदा द कोई आएगा जो पंजाब के न रिलेटड होगा जब GK के आएगा।
इंग्लिश दे विच तुसी देख सकते हो, इंग्लिश दे विच इस दे विच की आऊगा मोडल्स, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, सिनोनियम, एंटोनियम, ये जो है सीनियर मैनेजर का। उस तो बाद जो सिलेबस आ जाता है मैनेजर का, मैनेजर दे विच तुहानू की आएगा, मैनेजर विच तुहानू आएगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, तुहाडा कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन होणगे, तुहाडे रीजनिंग दे 15, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दे होणगे 15, जनरल अवेयरनेस दे होणगे, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग दे होणगे 35, पंजाबी दे 10 क्वेश्चन होणगे, इंग्लिश दे 15 क्वेश्चन होणगे, 100 क्वेश्चन टोटल होवेगा। इसका तुसीं सिलेबस देख सकते हो कि है इसका सिलेबस, इसके सिलेबस नूं तुसीं देख सकते होंगे, रीजनिंग एबिलिटी, ये जो सिलेबस का इस जो तुहानूं नोटिफिकेशन है, असीं साडे जो चैनल का असीं टैलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं, उस दे विच तुहानूं असीं प्रोवाइड करवा देवांगे, उस दे विच तुसीं चैक कर सकते हो। ये उसका जो सारा सिलेबस देख सकते, इसका जो एक फेसबुक पेज है चैनल का, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के दिता होगा, टैलीग्राम लिंक, टैलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के दे देंगे, उन्होंने दोवों तुम फॉलो कर लियो, जाके लाइक कर लियो, तुम्हें जो भी इनफॉरमेशन होगी उतों भी तुम्हें यह मिल जाएगी। PDF फाइल तुम्हें उत्थे प्रोवाइड कराई जाएगी, तुम सिलेबस देख सकते हो इसका। उस तो बाद जो पंजाबी का जो मेन इस आने ने तुम ये देख सकते हो, ये उत्थे आने ने पंजाबी के ऑब्जेक्टिव टाइप वाला पेपर होगा। उस तो बाद जो IT ऑफिसर है उस की आना गा सिलेबस के इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 45 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, पंजाबी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। इस हर एक जो पोस्ट है उस अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग उसका जो डिटेल के वाइज दिता गया है, तो करके जो तुम्हें कोई भी डाउट ना रहे भी इस की आना है की नहीं आना, ये तुहाड़ा सिलेबस दिता गया है इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इस नूं तुसीं एक बार चंगी तरह देख लो, अपना जो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। असीं इसका जो फाइल है PDF फाइल वो तुहानूं ग्रुप के भी पावांगे, जो टैलीग्राम ग्रुप होगा उत्थों भी तुसीं देख सकते हो, लिंक तुहानूं सारयां दे डिस्क्रिप्शन के मिल जाएंगे, उत्थों तुसीं चैक कर सकते हो। वैब टेक्नोलॉजी ये सारे जो उदा बाकी जो रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तुहानूं सारा देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, ये तुसी सारा देख सकते हो, हिस्टरी दे विच टोटली जो लगभग पंजाब दे नाल रिलेटेड है दस्या होया, पंजाबी दा, इंग्लिश दा जो सिलेबस है सारा तुसी देख सकते होगे। इस दे नाल जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव दे विच तुहानूं जो ये है स्टैनो एंड डाटा कम एंट्रीप्रेटर दा, इहदा पेपर सेम होगा, इहदे विच तुहानूं सब्जेक्ट होणगे कंप्यूटर एप्लीकेशन दे 15 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी दे 15 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दे 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग दे 25 क्वेश्चन, पंजाबी दे 15 क्वेश्चन, इंग्लिश दे 15 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, ये तुसी देख सकते हो। इस तों अलावा जे तुहानूं कोई होर भी कोई मतलब डाउट रहिंदा है, कोई जानकारी है चाहीदी आ, तां तुसी अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स के जाके जरूर करियो, जिन्ना भी हो सकता तुहानूं उसका जवाब दिता जाएगा, तां जो तुहाडी हैल्प हो सके अते तुहाडे तक वध तों वध जो जानकारी है वह पहुँच सके। जिन्ने जो साडा फेसबुक पेज, YouTube चैनल में सबसक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज में लाइक कर लियो, जो टैलीग्राम का चैनल है उसनों भी तुसी फॉलो कर लियो, ता जो तुहानू जो भी इनफॉरमेशन है उत्थे तक मिलती रहे, इसनों वीडियो वध तो वध शेयर करते रहो, ता जो होर भी ये जानकारी हासिल कर सकन। इस दे विच भी तुसी सिलेबस देख सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन दे विच, रीजनिंग एबिलिटी दे विच, जो कंप्यूटर क्लासीफिकेशन स्टोरेज, ये तुसी देख सकते हो भी किहड़ा सिलेबस है इस दे विच। उस तों अलावा रीजनिंग एबिलिटी दे विच देख सकते हो, रीजनिंग एबिलिटी के लगभग जो सिलेबस है लगभग सारा सेम है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग दे विच सिलेबस देख सकते हो, की सिलेबस है, की इकोनमी है, तुसीं बैंकिंग दी जो टर्म हुंदी नहीं गया तुसीं देख सकते होंगे। पंजाबी का जो है ये भी मेन ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस पंजाबी के 10 क्वेश्चन जरूर आने ने, वो पहले ही मैनशन है उत्थे हर एक पेपर के उपर दिता हुआ है। इंग्लिश का सिलेबस ये तुसीं सारा देख सकते हो। दोस्तों ये तुहानू असी सारी जो डिटेल है जो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक है इसते जो अलग अलग वैकेंसियां नेगियां उन्हां दे जो सिलेबस है कि उसकी क्वालिफिकेशन है कि उसके लिए तुहाडी उम्र हद चाहीदी आ कि तुहाडी उत्थे विच फीस है तुहाडा सिलेबस की है सारा कुछ डिस्कस करेगा। जेकर तुहानू इस साडी इह वीडियो दे विच दित्ती गई जानकारी वधिया लगी है तां वध तों वध लाइक करो, वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो। जेकर तुसीं अजे तक भी इस चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में लाल रंग का बटन दब के सबसक्राइब करो, और उसके नाल ही जो घंटी वाला वाला बटन है उसके उपर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन करो ऑन, ता जो तुहानू इस चैनल के उपर आने वाली जो भी लेटैसट वीडियो होनगियां
ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ।